श्री विष्णु पुराण आठवां अध्याय शिष्य परंपरा महात्म्य और उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो कुछ और पूछना हो मैं उसका तुमसे वर्णन करूँगा। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आप कह चुके हैं और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए हैं और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं चार प्रकार की राशि और तीन प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान चुका हूँ। यह संपूर्ण जगत श्री भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है, इसीलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहें, अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है उसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरा गण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा, राम और तपोनिष्ठ मुनि जन, चातुर्वर्ण्य विभाग महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण किया हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हृदय गर्भ देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वेदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्त ऋषि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इनके उपादान कारण है, उन सर्व सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि सतम, अश्वमेध यज्ञ में अवभ्रत अर्थात यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। एक वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान फल, पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने में हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से
जो फल मिलता है हे विप्र, से वही भगवान कृष्ण ने चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंड दान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके कहा, इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंड दान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों को अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्र में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुःस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आश पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने शंभु जी को सुनाया था। शंभु जी ने प्रियव्रत जी को सुनाया और प्रियव्रत जी ने भागुरी जी से कहा। फिर इसे भागुरी जी ने स्तंभमित्र जी को, स्तंभमित्र जी ने दधीची को और दधीची जी ने सारस्वत जी को और सारस्वत जी ने भृगु जी को सुनाया तथा भृगु जी ने पुरुकुत्स जी से और पुरुकुत्स जी ने नर्मदा से और नर्मदा जी ने धृतराष्ट्र जी एवं पूर्ण नाग जी से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुक जी को सुनाया। वासुकी जी ने वत्स जी को और वत्स जी ने अश्वतर जी को, अश्वतर जी ने कम्बल को और कम्बल जी ने ऐला पुत्र को सुनाया। इस समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुँचे, उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातु कर्ण को दिया तथा जातु कर्ण जी ने अन्य अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत जी के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्तय जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने जो का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनि को सुनाओगे। जो पुरुष इसी अति गुप्त और कली कलमश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्वस्वरूप, सर्वमय ज्ञान और व्यय रूप आदि अंत रहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री भगवान विष्णु का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है। जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है, उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल है। जिनमें चित लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं,
जिनका स्मरण करने से पुरुष ना जन्मता है ना मरता है, ना बढ़ता है और ना क्षीण ही होता है, जो ना सत्य कारण है और ना असत्य कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञक काव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वह नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यथा करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिमाणहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं, उन स्वनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाले हैं, एक होकर भी अनेक रूप हैं, तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है। जो ज्ञान सत्व प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्यकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और पुरुष का उनकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा की प्रकृति पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान श्री हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में आठवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का छठा अंश संपूर्ण हुआ। श्री विष्णु महापुराणम संपूर्णम। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि।